हाय फ्रेंड्स, मैं रियाज आलम आप सभी के बीच एक बहुत बड़ा ट्रिक लाया हूँ। आप लोग देखकर बहुत खुश होंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत ही मेहनत से मैं यह इसे तैयार किया हूँ। चलिए, आप लोग से यही निवेदन है कि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो लाइक मत कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, जैसे हम बता रहे हैं 5 का स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर निकालने का ट्रिक्स। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, जैसे खाली अंत में इकाई के अंक पर 5 हो और उसका स्क्वायर हो तो वो कैसे निकाले। जैसे 5 का स्क्वायर है 5, लास्ट में 5 आ रहा है, इकाई के अंक पर 5 है तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 दो बार लिखेंगे, यानी कि 5 दो बार लिखेंगे। जैसे 5×5 यानी कितना, 50 हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला हम निकाल दिए 25। उसके बाद देखिए अब ट्रिक चलेगा, 15 का स्क्वायर है यहाँ पे 15 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना निकाला है 25। तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकाला है 25 तो यानी कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो 25 को 25 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 1 है तो 1 के अगला अंक क्या आता है, 1 के अगला अंक, तो 1 के अगला अंक आता है 2, यानी कि 15 है, उसके बाद 1 का अगला अंक 2 आ गया, 5 का तो लिख दिया है 25, उसके बाद 2, और 2 में क्या करना है, 2 आएगा, 2 में 1 से गुना कर देंगे, बस जितना है उतना में उतना से गुना कर देंगे, तो 2×2 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 225। चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा। उसके बाद फिर देखिए 5 का स्क्वायर है यानी कि 25 हो जाएगा 25, उसके बाद क्या है 2 है तो 2 के अगला अंक क्या आएगा 3, तो 3 आएगा तो 3 लिखकर 3 में 2 से गुना कर देंगे। बहुत 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 बढ़िया ट्रिक है ये, खाली खाली समझिए, दिमाग लगाइए आ जाएगा। यानी कि 2 का अगला अंक क्या आ जाएगा 3, तो 3 में 2 से गुना यानी कि 3×2=6, यानी कि हम लोग का 25 का स्क्वायर कितना आएगा तो 625। उसके बाद देखिए 35 का स्क्वायर, तो इसी तरह से आप लोग बना दीजिएगा। देखिए हम 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 25, उसके बाद 3 के अगला अंक क्या आ जाएगा तो 4, तो 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 में 3 से इसका अगला अंक में उतना से गुना करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 4 में 3 से 4 दें 12, तो 12 को 12 लिख देंगे, यानी कि 35 का स्क्वायर कितना होगा 12×25 होगा। उसके बाद देखिए आगे की तरफ चलते हैं, 45 का स्क्वायर कर रहा है 45 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे फिर सेम उसी तरह 5 है, कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर पता है आप लोगों का, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25×25 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 4 है, 4 का अगला अंक क्या हो जाएगा 5 आएगा, यानी कि 5 में 4 से गुना कर देंगे, गुना करने पर क्या होगा 5×20, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 20×25। उसके बाद देखिए 55 का स्क्वायर है तो 55, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, उसके बाद 5 के बाद क्या आ जाएगा 6 आएगा, तो 6 में 5 से गुना कर देंगे, यानी कि देखिए हम बता रहे हैं यानी कि इसको आगे बढ़ा देना है। उसके बाद क्या करना है, जिसके जैसे मान लो कि इसको छोड़ देना है, इसको तो हम लोग मान लो निकाल लिए, उसके बाद इसके बाद वाला से इसके बाद वाला को आगे बढ़ाएंगे, जैसे 5 है तो इसके बाद 6 आएगा, 6 में इससे गुना कर देना है, बस इसमें गुना कर देंगे यानी 6×25=30, इसका आंसर कितना हो जाएगा 30×25। उसके बाद देखिए आप लोग को अगला इसी में करते हैं, 65 का स्क्वायर कितना है 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर सब में 25 लिख देना है 25×25×25। चलिए उसके बाद 6 के बाद क्या आएगा तो 7, 7 का पहाड़ा 6 बेर पड़ना है, 7 का 7×6=42, यानी कि 65 का स्क्वायर हो जाएगा 42×25, समझ में आया ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 25×25 लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा 8, 8×56 यानी कि 56×25, आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, उसके बाद 8 के बाद क्या आएगा 9, तो 9×72 यानी कि 72×25। चलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 95 का स्क्वायर का आंसर क्या होगा। चलिए लाइक और कमेंट बनाए रखिएगा, मैं रियाज आलम, चलिए धन्यवाद।